हेलो गाइज, वेलकम टू मनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, शानदार होंगे, गजब होंगे दोस्तों। आज का ब्लॉग का दोस्तों राइडिंग को लेकर हम जाएंगे दोस्तों आज अल्मोड़ा से सीधे रानीखेत की तरफ खैरना वाले रूट से। दिखाते हैं आपको काकड़ी घाट खैरना हल्द्वानी वाला रूट का क्या हाल है दोस्तों। तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों अल्मोड़ा से खैरना की तरफ दोस्तों। जो अंदर को रोड जा रही है दोस्तों वो जाती है डोलेडाना, एक मंदिर है दोस्तों, माता का मंदिर है, वहाँ को रोड जाती है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया मंदिर है दोस्तों, कभी आइए इस मंदिर में दर्शन कीजिए। हम पहुँच चुके हैं करबला दोस्तों, करबला से अंदर को है रोड। अब कितना हरा भरा है हमारा अल्मोड़ा देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत अल्मोड़ा हमारा। दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये है दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान गढ़ी। जय हो, जय हो। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों क्वारक, कितना सुंदर है हमारा क्वारक देखिए, वाह क्या फूल आ रखे हैं देखो दोस्तों। रोड से सामने देखिए दोस्तों आपको खैरना हल्द्वानी रूट है दोस्तों, और उसके सामने जो आगे को जा रहे दोस्तों वो जाता है मुक्तेश्वर को, बहुत बढ़िया। 333 किलोमीटर मुक्तेश्वर, 35 किलोमीटर है। हाँ हाँ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वारब, ये पुल जो है ब्रिज वो क्वारब की है दोस्तों। क्वारब से जो ऊपर को गई है रोड वो जो है वो जाती है मुक्तेश्वर मोना को, जाती है रामगढ़ को जाती है, और उसके बाद नीचे को जो रोड दिख रही थी हल्द्वानी को जाती है खैरना हल्द्वानी वाली है, बहुत बढ़िया देखिए, बहुत बढ़िया पुल है, नदी है नीचे आगे को ऊपर को आपका मुक्तेश्वर रामगढ़। हाँ ये रानी की ताला जी है, 10 किलोमीटर का फर्क है, 10 किलोमीटर का फर्क है। वो जाऊँगा मैं सीधे अभी कोसी वाले में, दोस्तों रोड की हालत बहुत खराब है, बहुत खतरनाक रोड हो रही है दोस्तों, पूरा एडवेंचर हो रहा है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा देखो बहुत खतरनाक रोड है, देखो क्या धूल उड़ रही है देखिए, आप बहुत खतरनाक हो रहा है, बहुत खतरनाक दोस्तों। आप लोग देखिए लो क्या है रोड का हाल देखिए दोस्तों, पूरी धूल ही धूल है देखो दोस्तों, आंखों में चला जा रहा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा हमें, कुछ नहीं दिख रहा है देखो आप, बहुत खतरनाक हो रहा है। हमारे ड्राइवर साहब को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, कोई इतनी धूल है इस रूट में, मतलब ये रोड समझो कि 1 साल पूरा लेगा और सही होने में रोड, बहुत खतरनाक राइडर है। देखिए दोस्तों आप मौसम भी बहुत अच्छा मौसम है आज, और धूप भी जाने वाली है दोस्तों, सूर्यास्त तो होने वाला है दोस्तों। ये देखिए आप बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, और चल बढ़ी है देखिए पहाड़ों में हमारे जंगलों में क्या धूप लग रही, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर धूप है नीचे धूप, ये देखिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। है क्या मतलब पहुँच चुके हैं दोस्तों करबला, कंडीशन भी खराब है ऊपर से, यहाँ पर काम चल रहा है। ये बनाते जा रहे हैं, यह दोस्तों हमारा त्योहार नवोदय विद्यालय है दोस्तों। यह दोस्तों काकड़ी घाट की पुल दोस्तों, यहाँ से जो है हमारी मतलब 5 किलोमीटर भाई की रोड सही है, यहाँ से रोड में ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं।
ये था दोस्तों हाई वीडियो बना था, एक ट्रैक था एक आपका। चाय पानी पी लेते हैं इस रेस्टोरेंट में, रबीदा का रेस्टोरेंट है, कृष्णा रेस्टोरेंट, चाय पानी पी लेते हैं। गाड़ी को पार्क कर रहे हैं दोस्तों, फिर हम लोग चाय पानी पी लेते हैं। हम लोग अल्मोड़ा से खैरना पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं खैरना में, यहाँ चाय पानी पी रहे हैं। जब हम चाय पानी पी रहे हैं, हमने पकौड़ी खाई तो बहुत अच्छी पकौड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर। सुमित सर को भी अच्छी लगी यहाँ की चाय। सर कैसी चाय? बहुत पकौड़ी भी ठीक है ना सर? यही सर, मैं आपको खाना यही रुकूंगा करके, बहुत अच्छी पकौड़ी है। थैंक यू दोस्तों। ये दोस्तों खैरना की बाजार है दोस्तों, आप सीधे चले गए दोस्तों, सीधा आगे को चले गया अल्मोड़ा को, और यहाँ से इधर को चले गया हमारा रानी खेत को। यह है हमारी पुल रानीखेत की, और नदी है बहुत बढ़िया। आप देखिए टाइम हो रहा है दोस्तों 6:04, मुझे जाना है अभी कम से कम आपका 1 घंटे का रास्ता मेरा और लगेगा। ये आ गई हमारी उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज की बस जो दिल्ली जा रही है। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों बमशू, मैं बमशू पहुंच चुका हूं। यह बमशू यहां से 10 किलोमीटर मेरा घर और है। वहाँ से मेरे गांव का रोड जाती है दोस्तों, मैं वहाँ पर पहुँचने वाला ही हूँ। यह है सैनी रेस्टोरेंट, ज़रूर आइए इस रेस्टोरेंट में दोस्तों, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है दोस्तों। यह है मेरे, ये सीधे चले गया दोस्तों रानीखेत को रूट रास्ता, और ये जाता है मेरे गांव को नीचे को, मैं इसी रूट से होके जाऊँगा। अब ट्रक वाले भी हमारे गाँव के ही हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा गाँव जो है जंगलों के बीच में है, देखिए आप जंगलों के बीच से होकर मुझे जाना पड़ता है अपने गांव की तरफ को। यह है दोस्तों मेरा गांव, मैं फाइनली अपना गांव घर पहुंच चुका हूं दोस्तों। अल्मोड़ा से आए थे हम लोग, 4:30 हम लोग अल्मोड़ा से निकले थे, और 6:41 पर मैं अपना गांव फाइनली पहुंच चुका हूं। गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद सीधे घर को थोड़ा पैदल चलना पड़ता है 100 मीटर तक। ये देखिए जंगलों के बीच, ये है हमारा सिलिंगी गांव है, उससे ऊपर उपराड़ी है, उससे ऊपर हमारा घिंग्यारी है, उससे ऊपर को हमारा कुनेला खेत है, ये हमारा जैनोली है। ये वाला रोड जो है हमारा सीधे रानीखेत को जाता है, जैनोली पिलखोली होते हुए रानीखेत को जाओगे आप। कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है देखिए हमारे गाँव के, यहाँ पर लगा लेते हैं गाड़ी को। यहाँ पर मेरे पिताजी की स्कूटी है, और लोगों की गाड़ियाँ भी यहीं पर पार्क में है, इसलिए मैं भी यहीं पर इसको पार्क कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने गाड़ी पार्क कर ली है, अब निकलते हैं सीधे अपने घर को। ये हमारा गांव दोस्तों, दोस्तों ये है मेरा गांव का पानी का नल, जहाँ बचपन में
यहीं पर नहाते थे दोस्तों, और यहीं से हम लोग पानी भरते थे। घर की तरफ ये हमारे गांव, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि गर्मी ऐसी महसूस हो रही है, गर्मी के दिन आ गए ऐसा लग रहा है। फाइनली दोस्तों मैं गांव अपना घर पहुंच चुका हूं दोस्तों, घर पहुंच चुका हूं मैं फाइनली। ये मेरा घर है, ये मेरा पुराना घर है दोस्तों, और ये मेरे गांव के, मेरे गांव की बाकली बोलते हैं, वो है हमारे गांव की बाकली। चलो दोस्तों यही ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, इससे भी बेहतर अच्छे ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इंतजार कीजिए दोस्तों आप जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरा दूसरा ब्लॉग आएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।